हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद श्री लक्ष्मी में। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल की मसाले वाली पूड़ी और आलू मखाने की सब्जी। इसे आप बच्चों के टिफिन के लिए या मेहमान के आने पे बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम सब्जी बना लेते हैं। सब्जी के लिए मैंने एक चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें 3 चम्मच तेल डालकर गर्म करेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें खड़े मसाले डालेंगे। मसाला पक जाने के बाद उसमें कटे हुए प्याज डालकर 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। प्याज पकने के बाद उसमें कटे हुए टमाटर डालकर पकाएंगे। इसमें हम पानी डालेंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से पक जाए। इसमें 1 चम्मच नमक डालकर इसे फिर पकाएंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक सूखे मसाले निकाल लेती हूँ। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें पानी डालकर इसका घोल बना लेते हैं। प्याज और टमाटर पक गया है, अब इसे ठंडा होने के लिए अलग बर्तन में निकाल कर रख देते हैं। अब हम मखाने को भी भून लेते हैं। मखाने को अलग बर्तन में निकाल लेंगे। वापस इसी कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें कटे हुए आलू को डालेंगे। आलू को तेल में मिला लेते हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक डालकर आलू को हम धीमी आंच पर पकाएंगे। आलू भी अब पक गया है, इसे तेल से हम निकाल लेंगे। प्याज और टमाटर ठंडा हो गया है, इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब सब्जी की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। जिस तेल में मैंने आलू को पकाया था उसी तेल में मैं ग्रेवी बना रही हूँ। तेल को मैंने थोड़ा कम कर दिया है। अब तेल में 2 हरी मिर्च बीच से काट कर डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच जीरा। हरी मिर्च और जीरा पकने के बाद इसमें मसाला डाल देंगे जिसे हम घोल बना कर रखे थे। इसे थोड़ी देर भूनेंगे। भूनने के बाद जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था उसे इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला तेल न छोड़ दे। मसाला अब भून गया है, इसमें हम क्रीम डालेंगे। मैंने 4 चम्मच क्रीम डाला है। मार्केट में जो फ्रेश क्रीम मिलता है मैंने वही डाला है। अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की जो मलाई होती है उसे आप डाल सकते हैं। मसाला अब अच्छी तरह से भून गया है। ये देखिए मसाला चारों तरफ से बर्तन छोड़ने लगी। अब इसमें हम पानी डालेंगे। बर्तन में मसाले लगे थे, इसमें पानी डालकर मैं ग्रेवी में डाल देती हूँ। अब इसमें भुने हुए आलू और मखाने डालकर मिलाएंगे। आलू पहले से पका हुआ है तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें हरा धनिया डालकर 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। आलू मखाने की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। मूंग दाल की पूड़ी बनाने के लिए मैंने 2 घंटे पहले मूंग दाल को पानी में भिगो कर रख दिया था। इसे पानी से निकाल कर मिक्सी जार में डालेंगे। इसमें लहसुन, हरी मिर्च और पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। लहसुन अगर आप नहीं खाना चाहे तो आप इसे हटा भी सकते हैं। मूंग दाल के पेस्ट को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये मसाला पूड़ी है तो इसमें मसाला भी डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर,
आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, दो कटोरी आटा, इन सबको मिलाकर पूड़ी का आटा गूंथ लेंगे। पूड़ी का आटा ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा सख्त गूंथेंगे। इसमें दो चम्मच तेल डालकर फिर से मिलाएंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई काटकर पूड़ियाँ बेल लेंगे। पूड़ियाँ बन गई है, अब इसे हम तल लेंगे। मूंग दाल की मसाले वाली पूड़ी और आलू मखाने की सब्जी बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करें।